फ्रेंड्स, क्या हाल है? कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिस्सों अमान में रखे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल। आपको एंटरटेन करने के लिए मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो बस मेरा जो वर्क था, जो मतलब मेरा व्लॉग है, इसमें कोई रेसिपी ये वो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको कुछ बताऊँगी, जैसे मैंने काम किया था वो शेयर करूँगी। तो जी, अभी सभी ने बोला था हमें सेवैयाँ खानी है, तो उसके लिए मैंने सेवैयाँ साथ में रखी है, और साथ में मैंने अपने लिए सालन जो बनाना था वो भी मैंने साथ में एक चूल्हे पे वो भी रख दिया, और मेरे जो है मसाला वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। और क्योंकि मैंने आज ये जो वीडियो थी वो ऐसे मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, इसमें कुकिंग की या कोई ऐसी नहीं थी, बस मैं क्योंकि मैंने दो दिन से मेरी वीडियो नहीं आई, तो जब कोई वीडियो नहीं होती फिर बंदा सोच रहा होता है कि क्या काम करूँ, तो मतलब कौन सी वीडियो अपलोड करूँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि जो मैं काम करूँगी, जो घर में वर्क करूँगी, मैं वही आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, ताकि मेरी वीडियो भी अपलोड हो जाए। और क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वीडियो कुछ समझ नहीं आ रही थी कौन सी वीडियो बनाए, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं आज जो काम कर रही हूँ मैं वही वाली वीडियो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो मैं मीठा भी साथ में बना रही थी और सालन बना रही थी, वो मैंने दोनों को रखा हुआ था, कभी उधर कभी इधर, मतलब जल्दी से काम जो निपटा लें, इसलिए मैंने दोनों को साथ में ही काम कर रही थी, मतलब दोनों को साथ में ही पका रही थी। और सेवैयाँ जो हैं वो तो बन गई हैं, और अभी सालन जो है मेरा वो तैयार होने वाला है, तो माशाल्लाह से सेवैयाँ बिल्कुल रेडी हैं। इसको अब मैं ठंडा करने के लिए रखूँगी। तो जो सालन है वो भी मेरा अभी बनने वाला है, अभी मैं इसमें मसाले वगैरह अब ऐड करूँगी, क्योंकि पहले मैंने इसको सिर्फ पानी में बॉईल किया है और थोड़ी सी मसाले जो डाले थे उसमें, तो इस मसाले को मैं करूँगी ग्राइंड। ये देखिए, मैंने सब चीज़ें ग्राइंड करके इसमें डाली हैं, क्योंकि ग्राइंड करके डालोगे तो इसकी ग्रेवी जो होती है वो ज़बरदस्त सी बनती है, मतलब मज़े की बनती है, इसलिए। तो एक चम्मच मैंने ऐसे ही दही का डाला है, ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि हमारा जो सालन था वो थोड़ा सा था, इसलिए तो ज़्यादा मसाले नहीं डाले, लेकिन उसी हिसाब से डाले कि जितना मेरे पास सालन बनना था, मतलब सॉरी मेरा सालन बनना था उतना ही मैंने वही डाला है। तो जी, ये देखिए सालन जो है वो भी हमारा तैयार हो चुका है माशाल्लाह से, और इसमें मैंने थोड़ा सा कोरमा मसाला भी ऐड कर दिया था। अब हल्का सा मैंने पानी डाला है इसलिए कि इसकी जो अच्छी ग्रेवी है वो अच्छी से तैयार हो जाए, ताकि और जो बाकी मसाले मैंने डाले थे वो भी मिक्स हो जाए अच्छे से माशाल्लाह से। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया है, और अभी जो मेरा सालन भी है वो भी तैयार हो चुका है। तो अब मैं रोटी बनाऊँगी, तो मैं आपको आज रोटी भी अपनी दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। तो जी, ये देखिए एक्चुअली मेरे पास मोबाइल जो है वो मैं खुद ही पकड़ के एक हाथ से बनाती हूँ, तो इसलिए तो मैंने पहले रोटी को बेल लिया था, अभी मैंने तवे पे जो डाला तभी मैं आपको दिखा रही हूँ, और माशाल्लाह से रोटी जो है मेरी बन चुकी है। ये देखिए, तो मेरी रोटी कैसी लगी? कभी कभी सही बन जाती, कभी नहीं बनती, मतलब जितनी कभी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो खाना जो था वो तैयार हो चुका था आपके सामने, और अभी हमने इसको सर्व करना था, मतलब मैंने जो ये डाल के रखी हैं चीज़ें थोड़ी थोड़ी, सारे फ्रूट्स जो भी मेरे पास थे और रोटी भी साथ में, और एक कप में मैंने दूध भी रखा है, पानी भी, सालन भी, और साथ में जो मीठा बनाया था वो भी साथ में रखा है। तो इसको मैंने दुआ करवानी थी इसलिए, तो ये भी साथ में जो अपने बुज़ुर्गों के लिए बख्शिश के लिए, मतलब जो दुआ करते हैं, तो इसलिए फिर मैंने साथ में दुआ भी कर ली। और बच्चे जो है अभी खा रहे हैं, सभी ने दुआ मांगी थी, बट अभी ये बता रहा है मुझे कि मैंने दुआ मांगी थी, और वजी को मैं बोल रही थी तो वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था मुझे, मतलब वो मान नहीं रहा था, इसलिए उसने वीडियो ही नहीं बनाई, दुआ भी नहीं मांगी। अभी फिर वो बता रहा है कि मैंने ऐसे दुआ मांगी, मुझे कह रहा है कि मैंने मांगी है। तो
आज की वीडियो जो थी छोटी सी मैंने शेयर की, कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे बताइएगा कि मेरा व्लॉग था कैसा लगा आपको। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।